कनाडा के चक्कर में अगर आपका मास्टर्स कर रहे हो और सच्ची में आपको लोन जाना है, देन आई वुड से दैट आपका लोन अप्रूव हो चुका है ऑल एंड दैट। और प्रोसेसिंग फी, यस प्रोसेसिंग फी अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ था। ये सब लोन के चक्कर में मत फंसो। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट मैं आपको कहता हूँ, अगर आप जर्मनी जा रहे हो ना, लोन के चक्कर में पड़ो ही मत। ओके सो गाइज, हेलो। बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा है ना। ओके, लेट मी टॉक अबाउट माई एजुकेशन लोन। तो लास्ट वीडियो में मैंने देखा कि थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, बिल्डिंग बड़ी मस्त दिख रही है। हाँ ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अपने SBI लोन के ऊपर, सो वॉट हैपन टू दैट एंड ऑल। तो लिंक में आपको दिख जाएगा कि वीडियो में कि वॉट एग्जैक्टली हैपन टू मी एंड क्या नहीं, और वाई आई डिडन चूज SBI। सो SBI के बाद डायरेक्ट बात आते हैं कि नेक्स्ट बैंक के ऊपर, जो था IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक में मैंने अप्लाई करने की कोशिश की, तो उनसे बात करने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि IDFC फर्स्ट बैंक वाले जो है, उन्हें ऑफर लेटर चाहिए टू गेट एनी लोन अमाउंट और एनीथिंग। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे नाइस हाँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि अप्रोक्सीमेटली कितना लोन मुझे मिल सकता है अनसिक्योर्ड केस में, ऐसा नहीं वैसा। तो दे डिडन टोल्ड मी, दे टोल्ड कि पहले आपको हमें ऑफर लेटर दिखाना पड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट हम आपको बताएंगे। देन आई सेड ओके। नेक्स्ट बैंक विच आई अप्रोच वॉज HDFC। तो हाँ, तो ये सारे जो बैंक है ना, मैंने खुद से, मतलब SBI मैंने खुद से किया था, बाकी IDFC और HDFC मैंने काउंसिलर के थ्रू किया था। तो काउंसिलर का जो भी है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो HDFC बैंक में क्या हुआ, लिटरली बताता हूँ। HDFC बैंक में मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका था। देवर गिविंग मी अ लोन ऑफ 30 लाख रुपीज़ अनसिक्योर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज अनसिक्योर्ड लोन ऑफ 30 लाख रुपीज़। एंड सेकेंड जो था वो वही अपना 15-13 साल वाला लोन एंड एजुकेशन लोन रहेगा। एंड यस, ये जो लोन था ना, मुझे किसी यूनिवर्सिटी मास्टर्स के लिए नहीं, बल्कि PG डिप्लोमा के लिए मिलने वाला था। एंड मुझे ऑलमोस्ट मिल ही चुका था। आप समझ लीजिए कि विदाउट ऑफर लेटर मुझे लोन अप्रूव्ड हो चुका था। तो ये सब थोड़ा और पीछे ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो लोन मेरा ऑलमोस्ट बेटर, लोन मेरा ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो चुका था। दे टोल्ड मी दैट आपका लोन अप्रूव हो चुका है ऑल एंड दैट। और प्रोसेसिंग फी, यस प्रोसेसिंग फी अप्रोक्सीमेटली 75,000 रुपीज़ था फर्स्ट इसमें। उसके बाद थोड़े बहुत बातचीत किए मैंने काउंसिलर से, मैंने कहा यार काउंसिलर के थ्रू आ रहा, वो आपकी पहचान है, ऐसा वैसा ऑल एंड दैट। तो वो कट के मेरा हुआ अप्रोक्सीमेटली 46 या 48,000 रुपीज़। फर्दर और बात करने के बाद, नेगोशिएशन करने के बाद, मेरा प्री अप्रूवल लोन का प्रोसेसिंग फी जो था वो घट के हो गया था 28,000 रुपीज़। यस यू हर्ड राइट, 28,000 रुपीज़ हुआ था ओवरऑल। और मुझे 28,000 रुपीज़ भरने थे एंड 30 लाख का लोन मुझे डिसबर्समेंट मिलने वाला था। तो सब मैंने बातचीत की उनसे, कहा तो उन्होंने कहा जब जिस टाइम से जिस जो मनी आप डिसबर्स करेंगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लोन चालू होगा और ऑल एंड दैट वॉज देयर। तो यस, आई वुड सजेस्ट दैट अगर आपको लोन चाहिए तो HDFC में जाइए, आपको बहुत इजीली मिलेगा। एंड द इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं बात करता हूँ कि मुझे HDFC ने फर्स्ट कहा था कि आपको 11.45 या समथिंग 11.25 के हिसाब से मिलेगा, बट बाद में वो लोग ने चेंज किया, बोला अकॉर्डिंग टू द बजट एंड ऑल आपको 12% के हिसाब से हम लोन देंगे। बट गाइज सीरियसली, मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा, मैं लिटरली कहूँगा जितना हो सके ना, आप खुद से ही पैसे भरने की कोशिश कीजिए रादर देन गोइंग फॉर अ लोन। सीरियसली कह रहा हूँ, मैं आपसे सच्ची कह रहा हूँ, आप लोन के चक्कर में हो सके तो ना ही जाइए। क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार, चलो 10 लाख का लोन ले लिया, उसके ऊपर 12% मुझे लगेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 मुझे देने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ना वो बढ़ते ही जाता है, और ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब अगर आप, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दूँ ना, आप मैं अगर 30 लाख का लोन लेता हूँ तो 15 साल या फिर अप्रोक्सीमेटली ऐसे समझिए कि चलो मुझे जॉब लगी, सब कुछ हो गया, मैंने 5-6 साल में लोन रिपे कर दिया, तो मुझे
30 लाख के हिसाब से अगर 12% आप कह रहे हो तो होता है मोटा मोटा मान लीजिए 4 लाख रुपए। तो मुझे क्या 34,000 रुपीज़ उन्हें 34 लाख रुपीज़ मुझे वापस नहीं देने, मुझे उन्हें मोर देन 40 लाख रुपीज़ देने हैं। यस यू हर्ड मी राइट, 40 लाख के ऊपर मुझे उन्हें रीपे करने हैं, क्योंकि लोन मिलने के बाद भी इंटरेस्ट जो होता है वो आपका हर महीने स्टार्ट होता है, ईच एंड एवरी मंथ आपका स्टार्ट होता है। बट उसके अंदर HDFC वॉज द ओनली बैंक, हाँ मैंने ये बोलना भूल गया, कि जिसने मुझे अलाउ किया था कि मैं फुल इंटरेस्ट के जगह पार्शल इंटरेस्ट भरूँ, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ के आसपास होगा, बस कि हर महीने मुझे 10,000 रुपीज़ देना है और 24 मंथ तक, और उसके बाद मेरा जो लोन है वो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोन का रीपेमेंट जो होता है प्रीमियम देना उसे कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मुझे इंटरेस्ट अमाउंट ही देना है, प्रिंसिपल अमाउंट 24 महीने के बाद देना है और तब तक मुझे इंटरेस्ट देना है। बट उसके अंदर वो लोग ने कहा कि आप अगर फुल इंटरेस्ट नहीं देना चाहते तो पार्शियल इंटरेस्ट दे सकते हैं, और जो बचा कुछ अमाउंट है वो हम सम अप करेंगे और आपके लोन अमाउंट में डालेंगे, यानी कि मेरा लोन अमाउंट जो है वो 30 लाख से बढ़ने ही वाला है, क्योंकि मैं पार्शियल इंटरेस्ट दे रहा था तो उसका जो आधा बचा है वो सम अप होके एंड में बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपका लोन अमाउंट बढ़ते ही जाता है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर हो सके ना, आप ये सब लोन के चक्कर में मत फंसो। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो ना, सबसे बेस्ट मैं आपको कहता हूँ, अगर आप जर्मनी जा रहे हो ना, लोन के चक्कर में पड़ो ही मत, कसम से कह रहा हूँ। जर्मनी में 15 लाख 20 लाख रुपए लगते हैं, सीरियसली कह रहा हूँ, और 15-20 लाख में आप कैसे भी जोड़ के दिखाइए और GIC भरिए, 10 लाख रुपये GIC है और आपका काम हो जाएगा। कनाडा के चक्कर में अगर आपका मास्टर्स कर रहे हो और सच्ची में आपको लोन जाना है, देन आई वुड से दैट यू शुड गो फॉर इट। बट हो सके तो कोलैटरल, नॉन कोलैटरल ही लीजिए, और वो भी हो सके तो पब्लिक बैंक से लीजिए, जितना कम इंटरेस्ट हो सके उतना लीजिए प्लीज़। कोलैटरल नॉन कोलैटरल के बारे में अगर बात की जाए तो HDFC के इसमें मुझे मिक्स रिव्यू आए कि हमें कोलैटरल लेना चाहिए या नॉन कोलैटरल। तो थोड़ा ऐसा आ जाता, मेरा बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है, लग रहा है कोई बात नहीं, ऐसे आ जाता। चलो कोलैटरल, वैसे नॉन कोलैटरल में अगर बोले जाए तो मुझे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि डोंट गो फॉर कोलैटरल, बिकॉज अगर आप कोलैटरल देते हो तो भले आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है बट फिर भी आपको वो बहुत परेशान करते हैं एट दी एंड। तो हो सके तो आप नॉन कोलैटरल में ही लीजिए। और वीडियो अभी 8 मिनट की होने वाली है तो आई थिंक सो वी शुड रैप इट अप ओवर हियर। आपकी कोई भी क्वेरीज रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, मुझे कमेंट डाउन बिलो बताइए, मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। और मेरे साथ आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, तब तक लाइक से सब्सक्राइब कीजिए यार और खुश रहो यार। चलो बाय, मिलते हैं फिर, बाय।